को हमने उठाया भाई, तेरी वीडियोस को हम देखते हैं, वैम्पायर पार्टी तेरी वीडियोस को हम देखते हैं, हम लाइक भी हम करते हैं, कमेंट भी हम करते हैं, शेयर भी हम करते हैं, हम तेरी वीडियोस को देखते हैं तो ही तेरा रेवेन्यू बनता है। तो यार अस्सलाम वालेकुम, तो भाई आज हम बात करने वाले हैं वैम्पायर वाइटी के बारे में। मतलब कि हम लोग, सही बताऊं मैं आप लोग को, आज हम लोग एक्सपोज करने वाले हैं वैम्पायर वाइटी को। आप लोग बोल रहे हो भाई क्यों एक्सपोज कर रहा है, उसने क्या ऐसा कर दिया, क्या कुछ कर दिया, ये वो रुको 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 भाई। वैम्पायर वाइटी के फैन कमेंट में आके बोलेंगे भाई तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम गलत कर रहे हो, ये वो। भाई रुको रुको रुको, मेरे पास पूरा प्रूफ है, हर चीज़ है। मेरे काफ़ी दोस्त मिलने गए थे वैम्पायर वाइटी से। एक लड़का है मान भाई, वो भी ब्लॉगर है, एक साधु भाई है और अमान राइड वाइन से, वो भी मैंने भाई हज़ार लोग, हज़ारों बंदे मिलने गए, हज़ार बंदे वैम्पायर वाइटी से मीटअप करने गए थे उसके न्यू होम पे, ताकि हमारे अच्छे व्यूज़ हैं, हम लोग भी उसकी तरह ग्रो कर लें, ठीक है। हुआ कुछ यूँ, मेरे सामने आती है इस बंदे की वीडियो। इस बंदे का नाम है अमान राहिल वाइन, जी शॉर्ट बनाते हैं, अच्छी शॉर्ट बनाते हैं, वीआईपी बंदा, अच्छा बंदा है, मेहनत कर रहा है। अब मेरे सामने आती है इसकी ये वाली वीडियो, बाकी ये वाली वीडियो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, अब इसको एक्सपोज करते हैं। आ जाओ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं सब लोग, तो भाइयों आज आपका भाई फिर से आ चुका है सेकंड व्लॉग के साथ। भाई ये चार लोग गए हैं वैम्पायर वाइटी के होम पे, न्यू होम पे मीटअप करने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। भाई मैंने थोड़ा तफरी भी की जाती है क्योंकि मज़ा नहीं आता ऐसे व्लॉग में, तो हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे, तो यहाँ पे मेरा कजन जो बैठ, तो भाई अभी ये लोग वेट कर रहे हैं वैम्पायर वाइटी का व्लॉग बना के टाइम को पास कर रहे हैं। भाई ये बहुत मेहनत लगती है किसी के घर पे जाना, फिर सबर करना उससे मिलने के लिए, और उसके बाद तुम आओ ना, तुम आओ नहीं उसके बाद यार होगा, तो भाई ये तकरीबन डेढ़ घंटा हो गया बैठे बैठे, थक चुके हैं आप। ये चेक करो यार, तुम ये चेक करो बंदे की अगले की मेहनत चेक करो भाई। ये बंदा बोल रहा है हमको डेढ़ घंटा हो गया, डेढ़ घंटा हो गया बेचारे को वैम्पायर वाइटी के घर के नीचे खड़ा हुआ है कब से भाई, ना उसको ये मिल रहा है ना जवाब दे रहा है। भाई डेढ़ घंटे से आपके घर के बाहर कोई बंदा खड़ा हुआ है, आप उसको जवाब भी नहीं दे रहे, या बोल दो भाई कि मैं आ रहा हूँ रुक जाओ, ये वो कुछ भी नहीं बोल रहा। भाई डेढ़ घंटा सब्र करना भाई, डेढ़ घंटा सब्र करना बहुत मेहनत का काम है यार। ये अमान राहिल वाइंस, राहिल आप राहिल उनको भी चलाओ यार, वो अलग बैठे हुए हैं। तो भाई अभी इन लोग को मिल चुका है पेट्रोल वाला, हम लोग साफ करते हैं ये भाई को भी ला लो। आज आज यार उस्ताद है भाई, इसके मिलने का तरीका चेक करो भाई, क्या इखलाक इसका यार। कैसे यार, चैनल सब्सक्राइब करो, लड़के मेहनत कर रहे हैं। मतलब के पेट्रोल वाला इन चार लोगों के साथ मिल गुल गया है भाई, बिल्कुल मिल चुका है इन लोगों के साथ, मतलब भाई भाई हो गए ये लोग, चारों हंस के हंस रहे हैं, मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं। भाई ये होता है बंदा, ये होता है यार, इसके अंदर इखलाक है, बात करने का तरीका है इसके अंदर यार। इसने लिखा हुआ है इंतजार की घड़ी खत्म, देखते क्या होता है। तो भाई अमान राहिल व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दो जो भी देख रहा है, और अगर मेहनत कर रहे हैं तो और डिजर्व करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो फाइनल जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं अभी और वैम्पायर वाइटी के फैंस, अब तुम खुद ही बताओ ये जोशवा जो पेट्रोल वाला और ये वैम्पायर वाइटी, इन दोनों में से सही कौन है आप बता दो यार। वो पेट्रोल वाला आया, हंस रहा है, खुश हो गया भाई मिल के, व्लॉग बना रहे, और उसको चेक करो, व्लॉग कर सकते हैं तो लाइक करो, डिजर्व करते हो लाइक करो, ये बस। एक बंदा इतनी दूर से आपसे मिलने के लिए आया हुआ है, वो डेढ़ घंटा आपके पास वेट कर रहा है आपके घर के बाहर। यार एक मिनट भी आप वेट करो ना, आपको लग जाएगा पता क्या होती है अहमियत एक मिनट वेट करने की। इस बंदे ने डेढ़ घंटा वेट किया, डेढ़ घंटा कुछ चेक कर लो यार। इस बंदे ने पता नहीं कहां से पेट्रोल चला के आया होगा अपने व्लॉग के लिए, ठीक है ना, और उसके बाद डेढ़ घंटा वेट करता है इसके पास, और उसके पास ये बोलता है भाई हम इनसे मिले हैं, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। यार तेरे को हमने उठाया है भाई, तेरी वीडियोस को हम देखते हैं, वैम्पायर वाइटी तेरी वीडियोस को हम देखते हैं, हम लाइक भी हम करते हैं, कमेंट भी हम करते हैं, शेयर भी हम करते हैं, हम तेरी वीडियोस को देखते हैं तो ही तेरा रेवेन्यू बनता है, हम लोग तेरे फैंस हैं तो अपने हम लोग के साथ ही से मिलता है। तो भाई इधर आती है हमारी एक्सपोज वीडियो एंड। भाई इस वीडियो को बनाने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं किसी को हेट दे रहा हूँ या किसी को कुछ भी कर रहा हूँ ना, बस मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई वैम्पायर वाइटी अगर तेरे फैंस तेरे घर पर मिलने आते हैं ना, तो उनसे सुकून से अच्छे तरीके से अच्छे इखलाक से बात कर लिया कर और वीडियो में आ जाया कर, ठीक है। पहली बात ये हो गई, और दूसरी बात वैम्पायर वाइटी के फैंस बोल रहा हूँ, जो उसके फैंस हैं ना रियल फैंस, वो और किसी बंदे को ये वीडियो या ये बात बुरी लगी हो ना भाई, तो भाई दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मिलते हैं आप लोगों से न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।